अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन इकराम, मैं फराज बार आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन इकराम, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो एक बहुत ही अहम टॉपिक है, खसूसन बिलखसूस उन औरतों के लिए जो कि इंटरकोर्स को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती, इंटरकोर्स के लिए, सेक्स के लिए उनमें ख्वाहिश पैदा नहीं होती या उनका दिल नहीं करता, उनकी जो वजाइना है, अंदाम निहानी है, उसमें हलचल पैदा नहीं होती। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि क्या वायग्रा जो है, सर्डिना फिल, ये आप मर्दों के साथ साथ औरतों में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं या नहीं। दोस्तों, बहुत ही अहम टॉपिक है, मेरी वीडियो जो है आप पूरी एंड तक देखें, आपको इंशाल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा होगा। दोस्तों, वायग्रा जो सर्डिना फिल है, ये मर्दों में इसका जो काम करने का तरीका है कि ये मर्दों के ब्लड की सर्कुलेशन जो है उसको बढ़ा देती है, मर्दों के खून में एक जो है वो जिस्म में आग नुमा एक गोला जो है वो दौड़ना शुरू हो जाता है। जब सर्कुलेशन ब्लड की बढ़ती है तो वो जाके ब्लड पिनस में या नफ्स में ठहरता है, उसकी वजह से नफ्स जो है वो स्ट्रांग और सख्त और हो जाता है। दोस्तों, ये जो सख्ती है या स्ट्रांग होना है नफ्स का, ये एरेक्शन के हवाले से बहुत ही बेहतर है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्या FDA ने जो है वो वायग्रा को औरतों के लिए अप्रूव किया है। FDA जो है ये एक फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USA का इदारा है जिसको FDA के हवाले से याद किया जाता है। दोस्तों, वायग्रा औरतों में इस्तेमाल हो सकती है या नहीं, इसके हवाले से बहुत ही कम ट्रायल और बहुत ही कम जो स्टडी है वो देखने में सामने आई है। दोस्तों, ऐसी औरतें जिनका अंदाम नहानी के अंदर या वजाइना के अंदर हलचल पैदा नहीं होती, वो सेक्स को एक अपने ऊपर अजाब समझती हैं, जो इंटरकोर्स है उसको परफॉर्म नहीं कर पाती या उनको उस हिसाब से मजा नहीं आता सेक्स करने में, इनके लिए जो है आप जो है वायग्रा इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों, ये जो सेक्स है ये एक ऐसी चीज है कि इसमें दोनों जो पार्टनर हैं उनको मजा आना चाहिए, इसी हवाले से फिर ही इसका करने का परफॉर्म करने का मजा आता है, नहीं तो ये जो है ऐसे ही बंदे को औरतें ये समझती हैं कि मर्द जो है वो हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं या औरतों को मर्दों का जो तशद्दुद है वो भी बर्दाश्त करना पड़ता है, ये तशद्दुद के जुमरे में आता है। दोस्तों, इसी हवाले से जो है मैंने आपको बताया कि जो वायग्रा है ये औरतों में इस्तेमाल करवाई जा सकती है, अगर ऐसा ना हो तो बहुत से घर जो हैं वो तबाह होते और शादियां जो हैं वो टूटती हुई देखी गई हैं। दोस्तों, वायग्रा का औरतों में मोड ऑफ एक्शन जो है इसके हवाले से आपको बताते हैं कि जो औरतों में काम करने का वायग्रा सर्डिना फिल का जो तरीकाकार है वो क्या है। जिस तरह मर्दों में इस्तेमाल से वो खून की जो सर्कुलेशन है वो जिस्म में बढ़ती है वायग्रा के इस्तेमाल से, इसी तरह औरतों के जो है खून में सर्कुलेशन जो है ब्लड की वो वायग्रा के इस्तेमाल से बढ़ती है, इसी तरह उनमें सेक्स की जो ख्वाहिश है वो बढ़ती है। जब खून सर्कुलेट होकर वजाइना या इंदाम नहानी में जाके ठहरता है, पहुंचता है, सर्कुलेशन तेज होती है, तो एक आग का गोला
तपश का गोला जो है वो सारे जिस्म में गर्दिश करना शुरू कर देता है। तो इसी तरह औरतें जो है वो सेक्स की तरफ माइल होती हैं, उनमें हजानियत पैदा होती है, वो देखती हैं, उनका दिल करता है सेक्स परफॉर्म करने को और उनको मजा भी ज्यादा आता है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने आपको बताया कि क्या वाइग्रा जो है वो मर्दों की तरह औरतों के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, तो ये बिल्कुल आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों हमारा मेडी इन्फो बाई फराज के नाम से फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। मेडिसिन जो है वो बच्चों की पहुंच से दूर रखें और डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।